कारपोरेट वर्सिज आम आदमी अंदोलन बन गया। हुण आम लोग एक पासे ने, कारपोरेट घराने एक पासे ने। अज ये अंदोलन दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन हो निपड़िया, दुनिया का सब तो शांतमई अंदोलन हो निपड़िया, दुनिया का सब तो वध लोकां दी शमूलियत वाला अंदोलन हो निपड़िया। लड़ाई सी मोदी ते अडानी दी, कौन कैंडीडेट होगा प्रधानमंत्री का फैसला नहीं सी हुंदा। अगले ने कहता आरएसएस वाले ने भी जिहड़ा वध पैसे इकट्ठे करके दे सकता है इलेक्शन लड़न वास्ते वो प्रधानमंत्री का कैंडीडेट होगा। यह अंदोलन समुचे समाज का अंदोलन है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का किसानों नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जे जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्होंने अमेंड करके बनाता उहदे नाल इस देश का कोई शहरी जिउंदा नहीं रहना। 3 साल तो बाद उहदे बस च कुछ नहीं रहना, झोला भर के नोटां दा ले जाओ, 1 किलो सब्जी लेके आया करो। वंड तां पंजाबां दी होई है, गुजरात की तो नहीं हुई, तमिलनाडु आंध्रा कर्नाटक उन्हां दी तो नहीं हुई। उन्हां नूं की कष्ट होया, मरे तां तुहाडे या तुसीं उधर जांदे नूं वड्डिया या उन्होंने तुहानूं इधर आउंदे नूं वड्डिया। अफसोस हुंदा है अज दे दिन इह वी, क्योंकि पोलीटिकल आजादी मिली सी, पूर्ण आजादी नहीं सी मिली 1947 विच। सरदार भगत सिंह नूं अज तक सरकारी कागजां विच शहीद नहीं मन्निया गया। इस गल दा दी इक कसक साडे अंदर रहेगी। आजादी पूर्ण नहीं मिली, सिर्फ पोलीटिकल आजादी मिली। अज आर्थिक आजादी की लड़ाई सारे देश में शुरू हो चुकी है। आर्थिक आजादी, तुहाडे घर की आजादी, तुसी घर चलाउणा है, तुहाडी जेब विच की है, घर चलाउण जोगा पैसा टुकर तुहाडी जेब च हैगा? जे है फिर तुसी निश्चिंत हो, ते जे नहीं तां कितों प्रबंध करना पऊ, करजा लेना पऊ, उधार फड़ना पऊ, उदों तक तुसी आर्थिक तौर ते गुलाम हो। मैं समझदा पंजाबी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है भई पंजाब विच बसते 65% किसान ते 75% खेत मजदूर 10वीं जमात भी पास नहीं कर सके। जिहड़ा 10वीं नहीं पास कर सकिया वह सरकार दीआं कुणतरां किवें समझेगा? तुहाडी गरीबी का कारण सरकार है, यह गल तुहानूं नहीं समझ आई? जदों तुहाडियां जलसां दे पामित हुंदे ने, अज जिहड़ा कमिश्नर नूं CACP कहिंदे ने, उहदा इक अधिकार खेतर है, उहदे बाहर उह जा नहीं सकदा। उह अधिकार खेतर च लिखिआ है भी जदों खर्चे कढ के भा दी सिफारिश करनी है, उहदी जिम्मेवारी है देखना भई इस भा नाल महंगाई ना हो जाए। उहदी जिम्मेवारी है देखना इस भा दे उत्ते इंडस्ट्री का कोई नुकसान ना होए, उहदे ते कोई उल्टा प्रभाव ना पए, इस भा नाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित ना होए। बहुत सारिया ऐसिया गल्लां जिहदी जिम्मेवारी सरकार दी हुंदी है वो तुहाडे सिर पा दित्तियां गईयां, और उहदी वजह करके कमिशन नूं कहा गया भा घट रखो। जो तुहाडे खर्चे हुंदे ने उहतों घट भा दित्ता जांदा। अज अमरीका च थां थां लोकी तुहाडे हक च खड़े ने चौंकां च, अज सारी दुनिया विच तुहाडे इस अंदोलन की चर्चा हो रही है। हुण इस अंदोलन की चर्चा सिर्फ पंजाब हरियाणे करके या हिंदुस्तान करके नहीं हो रही, यह चर्चा हो रही है दुनिया च। पहली बारी कारपोरेट हाउसेस के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है, दुनिया च पहली बारी एक कारपोरेट वर्सिज आम आदमी अंदोलन बन गया। हुण आम लोग एक पासे ने, कारपोरेट घराने एक पासे ने। कारपोरेट घराने सारी दुनिया नूं सरकारां नूं चलाउंदे ने, फाइनेंस करदे ने, और अपने अपने शर्तां डिक्टेट कराउंदे ने। उन्हां दे खिलाफ पहली बारी यह अंदोलन होया। इस करके अज यह अंदोलन दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन हो निपड़िया, दुनिया का सब तो शांतमई अंदोलन हो निपड़िया, दुनिया का सब तो वध लोकां दी शमूलियत वाला अंदोलन हो निपड़िया। हुण इस अंदोलन विच सरकार कुछ कहिंदी है, असीं कुछ कहिंदे, बिल्कुल अपोजिट गल है। क्योंकि मोदी सरकार नूं अंबानी अडानी फाइनेंस करदे ने, तुहानूं पता कहानी की सी जदों
प्रधानमंत्री बने मोदी, लड़ाई सी मोदी ते अडानी दी, कौन कैंडिडेट होगा प्रधानमंत्री का, फैसला नहीं सी हुंदा। अगले ने कहता आरएसएस वाले ने भी जिहड़ा वध पैसे कट्ठे कर दे करके दे सकदा है इलेक्शन लड़न वास्ते वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा। अडानी दे पिछे कोई खड़ा ना होया, अडवाणी दे पिछे कोई खड़ा ना होया, अडानी ते अंबानी इहदे पिछे तिर बन के खड़ गए वी असी खड़े हां मोदी नूं बनाओ प्रधानमंत्री। हुण मोदी तो सारा कुछ उहनां नूं बेचेगा। अज की हो रहा है, तेल सैक्टर अंबानिया को, कम्युनिकेशन अंबानिया को, जो टेलीफोन चक्की फिरते हो वो अंबानिया को, डिफेंस अंबानी, डिफेंस अज तक कदे प्राइवेट पार्टी एंटर नहीं की, तो पहली बारी होया भी अंबानिया ने डिफेंस सैक्टर देता, कोई तजर्बा नहीं वो भी उन्होंने को। इस तरह अडानी ने रेलवे भी घसोड़ता, हवाई अड्डे भी इन्हू देते, कोल सैक्टर भी इन्हू देता, अलग अलग जो कुछ बेचा जा रहा देश दियां वधिया सरकारी कंपनियां जिहड़ियां पब्लिक सैक्टर दियां ने वो बेचियां जा रही, एक लंबी लाइन है वो सारिया अंबानिया अडानिया बेचिया जा रही। हाले इन्हां दी उह गल है, बहुत सारे लोग समझते होंगे ये अंदोलन किसानों का अंदोलन है, गलत फहमी च ने, यह अंदोलन समुचे समाज का अंदोलन है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का किसानों नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, जे जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्होंने अमेंड करके बनाता उहदे नाल इस देश का कोई शहरी जिउंदा नहीं रहना, तीन साल तो बाद उहदे बस च कुछ नहीं रहना, झोला भर के नोटां दा ले जाओ, एक किलो सब्जी लेके आया करो। 11 मीटिंगां साडियां होईयां, 6-6 घंटे की एक एक मीटिंग सी, एक एक कानून दे उत्ते एक एक क्लॉज ते डिटेल च बहस होई, किसे गल दा उहनां कोल कोई जवाब नहीं। वो लिखी गए पहली क्लॉज ते बहस हुई इहदे च आ सोध कर दिंदे आ, दूजी च आ सोध कर दिंदे आ, तीजी च आ सोध कर दिंदे आ, ते एक लंबी लिस्ट सोधां दी बना ली। कहिंदे जी सोधां करा लो, मैं कहा तुहाडा अधिकार खेतर है नहीं, संविधान च लिखिआ है एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट वो है जिहदे च राज्यां दा विषय है, सूबे दीआं सरकारां कानून बना सकदीआं, सेंटर दखल नहीं दे सकदा। उहदे 14 नंबर ते एग्रीकल्चर लिखिआ होइआ, 28 नंबर ते लिखिआ होइआ मार्केटिंग, असीं बाजार च व्यापार करन नहीं जांदे, अपनी फसल बेचण जांदे आ, मार्केटिंग करन जांदे आ। इह दोए स्टेट सबजैक्ट ने ते तुसीं इह कानून ही नहीं बना सकदे, तुसीं गलत बनाया, वापस लो इहनूं। हुण उह कहिंदे आ जी ये जी दस नहीं सके सानू भी काला की है कानून च, इन्होंने कलॉज बाई कलॉज बहस नहीं की थी। असी कहो आ हुण जिहड़ी पार्लीमेंट लाई ये उहदा जवाब सी, पहला एक इतिहास सिरजिया तुसी, असी एक विप जारी किया वोटर्स विप, सारे एम पीज नूं अज तक पार्टियां विप जारी कर दी है, असी सोचा भी ये काम तो पार्टियां तो गलत कर दी है, वोटा तो असी पा के चुने ने, असी क्यों ना विप जारी करिए, असी इन्हों विप जारी किया जिदे च लिखिया भी जदों तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेंदी, साडियां मंगां नहीं मनदी, तुहानू हदायत है पार्लीमेंट का सैशन नहीं चलन दोगे, तुसी वाकआउट नहीं करोगे, जे वाकआउट कर जोगे सरकार पिछों अपना थोड़ी गैरहाजरी च बिजनेस कर जू क्लीयर, जे तुहानू सस्पेंड भी करता तुसी फिर भी जाओगे हाउस च रौला पाओगे, हाउस नहीं चलन देना। इतिहास पहली बारी होया है इस देश की, पहली बारी पहला सैशन से जिहड़ा पहले दिन तो अखीरले दिन तक साढ़े एम पी ने चलन नहीं दिता, और वो कहते रहे सानू किसान यूनियन का विप जारी होया। हर रोज घट्टो घट 200 एम पी राज्यसभा ते लोकसभा के वैल विच हुंदा सी, सरकार एक नवा इतिहास तुसी रच दिता, असी पैरलल पार्लीमेंट रखी, हर रोज 200 बंदा जांदा सी, वो बहस करदा सी कानूनां ते, लोग पुछण लग गए सरकार नूं वी तुसी कहिंदे सी उह दस्सदे नहीं, इह तां आम लोग भी समझ गए। साडे हक विच बड़े बड़े अर्थशास्त्री गए, उहनां दा इक सैशन रख्या, उहनां ने पूरा कानूनां दी पुणछाण कीती, असीं इक दिन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस अफसरां दा सैशन रख्या, उहनां ने कानूनां दा विरोध कीता, डिटेल च गल कीती, ते दुनिया नूं पता लग्गिया वी इह कानूनां दी सरकार नूं जाणबुझ के समझणी पैंदी, सारे लोगों नूं समझ पै गई, ते तुसीं इह फिर एक नवा इतिहास सिरजिआ। इन्हां दे पिंड च इक ऐसा परिवार जम्मिआ जिन्हें देश की आजादी की लड़ाई में सब तो मोहरी होकर सब तो वड्डियां कुरबानियां दित्तियां, 121 चों 93 पंजाबियों ने फांसी का रस्सा चुमिआ,
अज फिर भी साड़ी कोई कदर कुदर है नहीं। देश की वंड असल में आजादी तब सब तो ज्यादा कष्ट जो चलिया तुसी चलिया 10 लाख पंजाबी मरिया। वंड तो पंजाबां दी हुई है, गुजरात की तो नहीं हुई, तमिलनाडु आंध्रा कर्नाटक उन्हां दी तो नहीं हुई। उन्होंने की कष्ट होया, मरे तो तुहाडे या तुसी उधर जांदे नूं वड्डिया या उन्होंने तुहानूं इधर आउंदे नूं वड्डिया। आजादी तो फिर उहदा कष्ट तो तुसी चलिया। ते अज तुहानूं कोई पुछदा नहीं, इह कहिंदे ने इह खालिस्तानी ने, इह पाकिस्तानी ने, इह अखीर च पहुंच के जिहड़ी अखीरली गाल हुंदी आ उह कढ़दी, इह मोबाली ने।